धुन में मस्त ऑफिस से वापस घर की ओर निकली ही थी कि रास्ते के एक चौराहे में अचानक मुझे भीड़ इकट्ठा मिली एंड कुछ ढोल की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। तो बस देर किस बात की थी, मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और लोग जहां मेरा कैमरा वहां। इतनी बड़ी क्राउड थी एंड मेरा थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि द्रौपदी मुर्मू बनती है इंडिया की नई प्रेसिडेंट। तो ये क्राउड उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ रास्ते के बीच में इकट्ठा हुई थी। ये इलेक्शन बीजेपी लेड एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू और जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के बीच में हुई थी। जहाँ द्रौपदी मुर्मू 2161 सीटों के साथ विजयी रही। इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू बनती है इंडिया की 15th प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट और कंट्री की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट। और यहाँ इतनी सेलिब्रेशन क्यों? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती हैं टू द लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर मयूरभंज को। सो बारीपदा द कैपिटल ऑफ मयूरभंज कैसे ना सेलिब्रेट करता इतनी बड़ी विक्ट्री को। ढोल और छऊ के बिना ये सेलिब्रेशन अधूरी थी क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हम खुशियाँ छऊ डांस के साथ मनाते हैं। और कितना प्यारा लगता है ढोल और छऊ एक साथ, है ना? एंड द ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द कॉस्ट्यूम एंड द होल गेटअप विल मेक यू गो कम्प्लीटली क्रेजी। बस ढोल की म्यूजिक सुनो एंड यू विल बी व्हाट पीपल से मंत्रमुग्ध। रास्ते पर लोग गाड़ियां रोक रोक कर आपस में मिठाइयां बांट रहे थे एंड सच बोलूं तो दिस सेलिब्रेशन पार्टी टुक माय हार्ट अवे। ये दर्शाता है कि आज भी लोग अपने लोगों की कामयाबी में खुश होते हैं। धन्यवाद।